विद्यार्थियों के जो परीक्षा होते हैं, आगे की पढ़ाई के लिए हो या नौकरी के लिए हो, उसमें जीरो टॉलरेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ ब्रीच और सैंक्टिटी ऑफ एग्जामिनेशन हमारे लिए सर्वोपरि है। इसलिए मोदी सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट जैसे सख्त कानून को अमल में लाया है। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने आज हमारे पक्ष रखते हुए ये भी वचन दिए हैं, ट्रांसपेरेंट, टेम्पर फ्री और जीरो एरर एग्जामिनेशन सिस्टम बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की सरकार कमिटेड है। इस कमिटमेंट को आगे बढ़ाते हुए एनटीए की संपूर्ण रिवैम्प के लिए हमने पिछले दिनों में आप लोगों के सामने एक उच्च स्तरीय कमिटी का भी घोषणा किया था। वो कमिटी अपने काम बड़े तन्मयता के साथ कर रही है। प्रोफेसर डॉक्टर राधाकृष्णन, जो पूर्व चेयरमैन इसरो के हैं, डॉक्टर गुलेरिया जैसे देश की जाने माने चिकित्साविद भी उस कमिटी में हैं, एग्जामिनेशन एक्सपर्ट, डाटा एनालिटिक्स एक्सपर्ट, ऐसे सारे माननीय सदस्य उसमें हैं। उन्होंने इस बीच में, मेरे पास जो जानकारी है, इस बीच में अनेक एक्सपर्ट्स ओपिनियन इकट्ठा किए हैं, अनेक मॉडल्स को भी उन्होंने अनुध्यान किया है। जो लोग उनके साथ संपर्क करना चाहते हैं वो सभी के ओपिनियन को, सुझाव को वो सुन रहे हैं और उसे समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो जल्द ही वो रिपोर्ट भी आएगा और मैं आपके माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को, विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, एनटीए को एक जीरो टेम्पर फ्री, जीरो एरर फ्री ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हम लोग कमिटेड है। मैं और एक विषय कहना चाहूंगा, ये सारे प्रोसेस में जो अव्यवस्था हुई उसमें से जो लोग इन्वॉल्व है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सभी के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीबीआई अपने काम कर भी रहा है और हम इस अव्यवस्था को, इस गुनाह में संश्लिष्ट सभी गुनहगारों को भारत सरकार कमिटेड है उसको समूल खोज निकालने के लिए और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। मित्रों, मैं फिर एक बार देश की विद्यार्थियों को, देश की नौजवानों को, देश की उन विद्यार्थियों की अभिभावकों को और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई सभी स्टेक होल्डर्स को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाले सरकार उनकी स्वार्थ को सर्वोपरि रखते हुए काम करती है और हम किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रोत्साहित करने वाले ताकत को बख्शेंगे नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मित्रों, सारे के अंदर मैं और एक विषय उल्लेख करना चाहता हूँ। पिछले नीट की मामला जब सामने आई है
विरोधी दल की भूमिका आज की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी स्पष्ट हुई, विशेष करके देश की नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष काल तक जो रवैया अपनाए थे, देश की एग्जामिनेशन सिस्टम को अमान्य करना, उसको सेम कहना, उसको रबीश कहना, यह उनकी बौद्धिक स्तर का प्रमाण करती है। आज देश की इसी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ना केवल भारत में, विश्व में हमारी IITian, हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था से पढ़े हुए इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, IIM जैसे इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए विद्यार्थी दुनिया में अपना प्रतिष्ठा बनाए हैं, भारत की इसमें प्रतिष्ठा बनी है। ये सारे एग्जामिनेशन को निंदित करते हुए राहुल गांधी जी भारत को ही निंदा पहुंचाए हैं, देश की विद्यार्थियों को गुमराह करना, भ्रम पैदा करना, सामाजिक तनाव के लिए प्रोत्साहित करना, यह उनकी राजनीति का एक योजनाबद्ध हिस्सा रहा है। देश में लगातार चुनाव पराजय को स्वीकार नहीं करने के कारण एनार्की, सिविल अनरेस्ट उनकी रणनीति की हिस्सा बनी हुई है। मैं उनको अपील करता हूं, पिछले दिनों में देश के अंदर और समूचा विपक्ष की जो लोग, जिन लोगों ने इस गैर जिम्मेवाराना कामों में लगे थे, इन सबको मैं अपील करना चाहता हूं, कम से कम देश की नौजवानों को, देश की विद्यार्थियों को, उनकी अभिभावकों को माफी मांगना चाहिए। राजनीतिक विषय अलग हो सकती है, लेकिन देश की विद्या, मैं शुरू से कह रहा हूं, मैं राजनीतिक भाषा नहीं बोलना चाहता हूं। मैं कल लोकसभा में जिस प्रकार की कुतर्क दिया गया, भारत की शिक्षा प्रणाली को निंदित करने का अपचेष्टा किया गया, आज मैं अत्यंत दुख के साथ मर्यादा में रहते हुए अपील करना चाहता हूं कि आपने देश को ठेस पहुंचाया है, देश में अनर्की खड़ा करना चाहे, देश में एक सिविल अनरेस्ट हो, ये उसके आपने षड्यंत्र किया, देश आपको माफ नहीं करेगा। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अलग हो सकती है, राजनीतिक वाद विवाद अलग हो सकती है, लेकिन देश के विद्यार्थी बच्चे सभी के हैं, ये कोई पार्टी के नहीं होते हैं, उनकी खुशी उनकी नाराजगी हम सभी के हैं। इसलिए मैं पिछले लगभग 2 महीने से सारा विषय को बड़े बारीकी से सरकार की ओर से हम देख रहे थे और संभाल भी रहे थे, हम भी कोशिश कर रहे थे कि कोई किसी भी प्रकार की हमारी वाणी के कारण किसी को आहत ना पहुंचे। लेकिन मित्रों, मैं आज फिर सुप्रीम कोर्ट की इस ऐतिहासिक जजमेंट के बाद फिर कहूंगा, सत्यमेव जयते, सच कभी छुप नहीं सकता है। कुछ विषय मैंने कल पार्लियामेंट में कहा भी है, देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, विशेष करके नौजवानों के हितों को सुरक्षित करने के लिए किसने क्या किया है, यह ऑन रिकॉर्ड है। हमने तो अपना हिसाब दिया कि हमने पब्लिक एग्जामिनेशन को सुचिता के साथ जोड़ने के लिए कानून भी लाया, जिन लोगों ने 2010 में कानून ला के वापस कर लिए उनको ही उत्तर देना पड़ेगा, किसकी दबाव में आपने कानून ला के आप उसको वापस किए थे। ये सारा विषय समाज के सामने अभी चर्चित है, उसमें सबको अपना अपना उत्तर देना ही पड़ेगा। सीबीआई ने कई जगह छापेमारी में कुछ और लोगों को भी पकड़ा है और तमाम चेन खुल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, CBI ये कॉम्पिटेंट एजेंसी है, CBI को अपने काम करने दीजिए, CBI के ऊपर कोर्ट ने भी अपना
विषय रखा है, हमें सीबीआई पे भरोसा है। सर जो आगे का प्रोसेस है काउंसलिंग वगैरह का, वो कब से शुरू करेंगे, कुछ एक बार छात्रों को बताना चाहिए। देखिए एक कुछ सुझाव कुछ ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में दिया है, जल्द ही एनटीए फाइनल मार्कशीट एक दो दिनों के अंदर प्रकाशित कर देगा, वो स्वास्थ्य विभाग या एनएमसी के पास चला जाएगा, एनएमसी जल्दी से जल्दी उसकी काउंसलिंग शुरू करेगा, ऐसा हमारी भरोसा भी। क्योंकि एक उच्च स्तरीय कमेटी हमने डॉक्टर प्रोफेसर राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में बनाई है, राधाकृष्णन कमेटी सारे पहलुओं पे सभी से विचार कर रहा है, सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है, और मैं आपको कहूँ कि जिस विषय को हम लोगों ने एक कमिटमेंट के नाते लिया है कि हमें आज 21st सेंचुरी स्तर की एक संगठन एनटीए को बनाना है, हमें ट्रांसपेरेंट टेम्पर फ्री जीरो एरर वाला ऑर्गेनाइजेशन एनटीए को बनाना है, उसके लिए जिस भी प्रकार की टेक्नोलॉजी जिस भी प्रकार की ग्लोबल प्रैक्टिसेस को अपनाना पड़ेगा, उस कमिटी उस दिशा में काम कर रही है। उस कमिटी की अवधि 2 महीना हुआ है, 2 महीना है, अभी जुलाई में हम लोग हैं, मैं निश्चित रूप में अपेक्षा रखूँगा उस कमिटी अपने समय के अंदर उस कमिटी अपना रिकमेंडेशन देगी, उस हिसाब से एनटीए की नए अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं, एक वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय प्रदीप खोरोला जी उसकी दायित्व में हैं, वो भी खुद में खूब मेहनत कर रहे हैं, एनटीए को और विश्वसनीय बनाने के लिए हम लोग सब लोग प्रयास करेंगे। सर यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम कैंसिल किया था लेकिन पता चला है कि उसका रिजल्ट हुआ नहीं था, तो एग्ज़ाम तो हो गया था, तो क्या रिजल्ट अभी तो उसकी एनटीए ने नया तिथि भी घोषणा कर दिया है। देखिए सब विषय में हम कोई भी चीज़ों में एक भी 20% की शंका में नहीं रहना चाहेंगे। देखिए प्री AI PMT जब होता था, हमारी सामने एक तुलनात्मक तथ्य है, जब AI PMT होता था और जब से नीट हुआ है, अगर उसमें से पिछले दिनों में से सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिला है, देश के ग्रामीण विद्यार्थियों को मिला है, देश की बच्चियों को मिला है, गर्ल स्टूडेंट्स आर डूइंग मच मोर इन नंबर्स इन कंपैरिजन इन द डेज ऑफ PMT, SC स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी है, ST स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी है, OBC स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस की संख्या बढ़ी है, पहले 2 लैंग्वेज में होता था अभी 13 लैंग्वेज में होता है, आज नीट की एग्जामिनेशन सेंटर 4,750 तक पहुंच चुकी है, यह उसकी व्यापकता दर्शाती है। कुछ लोग तथ्य को ना जाते हुए सत्य को ना जाते हुए कहते हैं कि यह धनियों के लिए परीक्षा है, ये परीक्षा तो सही मायने में बच्चियों के लिए है, ग्रामीण बच्चियों के लिए है, आदिवासी दलित OBC और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बच्चे उसकी सबसे लाभार्थी है, और बाकी रहा एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को आने दो, दोनों प्रकार की परीक्षा में अपना अपना तरीके हैं, OMR हो या CBT हो, लेकिन आने वाले दिनों में जो हाई पावर कमेटी जिस प्रकार की रिकमेंडेशन करेगा इस हिसाब से NTA अपना काम करेगी। कोचिंग सेंटर पे लगाम लगाने की कुछ और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने कहा था कि नवोदय महेंद्र विद्यालय ऐसे बच्चे जो है ज़्यादा इस बार पास हो गया है। देखिए हमने जो मद्रास चेन्नई IIT ने जो एनालिसिस हमने सामने रखी है
उसमें कई चीज दर्शाती है और आपके सामने भी है कहां कहां से ज्यादा बच्चे अच्छे करते हैं। निश्चित रूप में भारत सरकार की दायित्व भी है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ये परामर्श भी है, रिकमेंडेशन है, शिक्षा एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो, शिक्षा में इक्विटी रहे, शिक्षा में क्वालिटी रहे, शिक्षा में जेंडर पैरिटी रहे। ये जब सामने में ये हमारी सब लक्ष्य है, हम कानपुर आईआईटी के द्वारा बनाई गई साथी को हमने भारत सरकार एक कोचिंग के सोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट के अल्टरनेटिव के नाते रखा, इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म भी कानपुर आईआईटी ने वॉलंटरी जिम में बनाई है। हम पढ़ाई को, जिस चीज के बार बार मैं खुद देख के आया हूँ इसीलिए आपके सामने कहता था, आपने उसको सही रिकॉग्नाइज किया कि मेधा में कोई कमी नहीं है, उसको एक अपॉर्चुनिटी की आवश्यकता है, एक इकोसिस्टम की आवश्यकता है। भारत सरकार कमिटेड है हम ज़्यादातर बच्चों को कोचिंग सेंटर से बाहर जो सफलता मिले, इसलिए हमारी दायित्व भी बनती है, हम उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। I fail to understand why some people are continuously, constantly insisting, contrary to Supreme Court's view. Twice, yesterday only I politely mentioned that fact in the House. Twice Supreme Court has given its opinion there should be a All India test by agency. Because lot of complaints were there in the old practice, corruption, malpractice, whose interest has been hampered in this All India test. I'm informing country through you, friends. 2 years back, a girl student from Tamil Nadu, from the state board, was topper of the NEET examination. Those who are saying and today NTA is conducting examination in multilingual methods. In 13 languages there is examinations are organizing today. I think this is a political plea by some friends. I don't know what is their interest, whose interest they are serving. Are they serving students' interests or some lobbyist interest is up to them. Society is watching them also. And this initiative, those who are opposing today, मैंने कल कहा है 2010 में शिक्षा मंत्री कौन थे उस सरकार में, आज जो नीट के खिलाफ, those who are opposing नीट today from Tamil Nadu, those who are the part of the government in 2010. The first unified examination was conducted in 2013. We are not in charge of in those days. Those who are opposing today, they were in responsibility in those days. They can only say what is their compulsion to argue in this way. The Supreme Court's order on the basis of IIT Delhi report, that becomes a controversial question, that has the implication of removing at least 44 students from out of the top. I think so. And also, even the center admitted that it might affect 4,22,000 students. They will lose 5 months. Yes. So it might result in a reshuffle of the entire. Exactly. That's for when some friends ask, when will the counseling start? I said Supreme Court has given some observation regarding this physics question. We have to go by the Supreme Court's order, Supreme Court's observation. NTA will do the reshuffle accordingly. Merit, I think new merit list. Yeah. There will be new merit list. With the next 2 days, they are at maximum. Let NTA might have. So what is the defer? There is no counseling today. After we all were waiting for today's judgment, and today's part of today's judgment is to recalculate the entire list. So let us wait for 2 days, and maximum 2 days.
आई थिंक आई हैव नॉट टॉक टू एनटीए पीपल, दिस माई पर्सनल असम्पशन, जस्ट नाउ आई हैव ऑल्सो सीन दैट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, सो लेट अस वेट. आई थिंक माई नेक्स्ट दैट्स व्हाट आई व्हेन यू आस्क सम दिस क्वेश्चन आई सेड विद द नेक्स्ट वन टू डेज देयर विल बी न्यू मेरिट लिस्ट एंड ऑन दैट काउंसिलिंग विल स्टार्ट. In principle, Honorable Supreme Court has cleared the counselling process. Now it is up to NMC. The question has arisen over the number of toppers and the reduction of syllabus. Is there in the IIT Madras report as well? Is that something that your ministry... I think today is a great day for truth. Supreme Court has all kind of argument were put forth in front of Supreme Court. Supreme Court has gone through all the things. I am grateful to our country's judiciary system. Supreme Court has given opportunity to everybody. All the councils of all the stakeholders put forth their argument. And finally, Honorable Supreme Court's bench, presided over none less than Honorable Chief Justice of India, has given a very historic verdict. Let us celebrate in the sake of our students and youth of our student country. Thank you.